अब आप लोग अभी तक आप लोग देख रहे थे डांस का प्रोग्राम लेके चल रहे संगीत की दुनिया में। हमारे संगीत का पहला दृश्य स्टार्ट होने वाला है। अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े तीन, लगड़ा लूला रहा दुई तीन, दो ठीनी लूला लूला एक खिनी के को हथवई नकिन, जौने का हथवई नकिन हाड़ी गढ़े दुई तीन, दो ठीनी अचकी पचकी, दो ठीनी अचकी पचकी अखिनी के पेनिये नकिन, जौने के पेनिये नकिन चाऊ डाले दुई तीन, दो ठीनी उछड़ उछड़ चूरा, दुठी उछड़ उछड़ चूरा एक चूरबई नकिन, जवन चूरबई नकिन बाभन ने होते दुई तीन, दुठी आयन गए दुठी आयन गए एक अवबई नकिन, जवन अवबई नकिन नोट देहे दुई तीन, दुठी अतही फटई, दुठी अतही फटई एक नकली थमाय दिन, जवन नकली थमाय दिन पंपू सीट गड़वाए दुई तीन, दुठी आर बाहर के खिनी के बोरा नकिन, जौने के बोरा नकिन खेत भारे से भी गहा दोते, मुलाजा होशियार चंदनपुर के राजा ठाकुर पधार रहे। छोड़ जाता है राजा ठाकुर के नाम से, मारू जमी पर पंजा तो पौने उछाल दो, अहे कोई सामने तो आंखें निकाल ला। कहां गया रे, मर गया, चलता तो मेरे साथ में है लेकिन कहां पीछे रह जाता है। पहले मैं अपने दरबारी को खोजता हूं, फिर आगे की बात आप लोगों से करूंगा। अरे अरे गकोर कहां मर गया रे, अरे जे पीई बीड़ी ओकर दतवा में धारे कीड़ी, अभी ना सीढ़ी कई बखरिया कोने कम। बाबू साहब जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। क्यों रे गोकुल, चलता तो तुम मेरे साथ में है, साथ में तो आए रहे बाबू, पीछे कहाँ रह जाता है नालायक। बाबू साहब चले साथिन, घरे जैसे आए ना बरना नदी के पुले पहुंचे हैं, जैसे बरना नदी के पुले पहुंचे वही पुलियो शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहे दूध लावा चढ़ाओ, हम कहे दूध लावा चढ़ाई जना ही हम लेके चलत है गठरी बांध के। शिवरात्रि जब आए, नाग पंचमी आए, तब चढ़ाई जाए, रोजे चढ़ाई जाए, कहे चढ़ाओ नहीं तो के शराब दे। शराब? हाँ। तुमने मेरा नाम नहीं बताया। नहीं बाबू साहब, राजा ठाकुर का आदमी है। वही तो गलती यही कही दी है, नमो ही नहीं बताए। फिर क्या हुआ गोकुल? फिर क्या बहन, काय दूध लावा चढ़ाओ नहीं तो के शराब दे। अच्छा, हम लागे कहा थे एहर वहर सोचे कहे कवन शराब दे ही है, एक कहा दे ही। हम कहे शंकर भगवान होबा अपने घरे के लुआ आठे से, वही बाबू साहब चल रहे बड़ा जोर ड्यूटी पे चल रहे,
जैसे चले बिन के वैसे शंकर भगवान शराप देहन। जब शराप पाए बाबू साहब न हम वही गाय बन के टहर लागे। हम कहे अब ड्यूटी पे जाब सब लाठी गोदी डंडा समार के हमें भगाई दे। एक मारी हुई पुलवा खलवा लागे टहर। अब उखान मजे कर रहे देखे खूब चना मटर दिखात राम कहे जात है फर्स्ट क्लास चढ़ के पेट भरब। अच्छा अच्छा जैसे ही आगे बढ़े खेते ओरी बढ़े वैसे बाबू साहब कहते है मुसीबत छटक गई। गोसैया गाड़े चार पांच साढ़ भेटाई गए। हम कहे हन गोसैया गाड़े आज हमें लागत नौ नहीं कौन करी। फिर क्या हुआ गकल? फिर क्या भगवान से जीव छोड़ा एक लागे भाग गई। लागे भाग गई दूर गोसैया गाड़े आगे तीन पीछे घेर लिए हैं आगे पीछे। अब बाबू साहब घेर लिए हम लागे डेराई। हम लागे डेराई वहन गोसैया गाड़े मौसम बनावे लागे। मौसम हम कहे अब हमार जीव ना छूटे। अब एहन गोसैया गाड़े नौ नहीं कौन करी। फिर क्या हुआ गकल? फिर क्या एक ही मोट कर रहा गोसैया गाड़ा मौसम बना ही लिए। मौसम बना ही लिया। अब मौसम बना लिया हम लागे डेराई। हम लागे डेराई इतना बाबू साहेब ने तब से एक ही बड़ा जोर से उछड़ा उही में। जैसे उछड़ा जना संजोग बढ़िया रहा हमार तब से हमार जना उही मखिया खुली गई। उहे दौड़े चला आवत। हाथ खोल गए नालायक सो रहा था या नहीं बता रहा है कि मैं सो रहा था। नालायक एक घंटे से मुझे कभी सुना रहा है सोवत रहे सपनों तो लिया रहे बाबू साहब तभी देरी ही हो गई। तो नालायक ये बताना चाहिए कि मैं सो गया था सपना देख रहा था। वही बतावत रहे बाबू साहब आप समझ नहीं पाए। आए गोकल जितने भी भाई बंद बैठे हुए हैं इन सब को ये बता दे कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ और आज इस रिखीपुर गांव में क्या करके दिखाऊंगा। बाबू साहब एक बात यह है इतना दिना हो गया आपके करत इतना दिना हो गया आपके करत आपका भाव बाबू साहब अपने सामने लेवाया ना आए। लेवाया ना है हम लेवावे आई है बाबू साहब कहा नौवा ना ले आई सबके सामने कैसे। तो नाम पहले ले लिया करना ना नालक। ठीक है बाबू साहब अब कहा था तो पहले लेवा कर नौना तोहार। हाँ नाम बोला कर बेटा। बाबू साहब जब आई नहीं यहाँ तो बताई दे अपन परिचय नाम पता बताई दे हम कहाँ सावत है के है हमार नाम का बा हम का करब का करई वाला है का कह के चला जाब। शाबाश बेटे शाबाश। अच्छा नौकरों की यही पहचान है के अपने बड़ों का नाम सामने नहीं लेते हैं। क्या गोकल? हाँ बाबू साहब। मैं चंदनपुर का रहने वाला हाँ हर राजा ठाकुर मेरा नाम है। आज के 20 साल पहले मेरे पिताजी महाराज सूरज सिंह के वहां नौकरी करते थे। महाराज सूरज सिंह बीमार हो गए। एक दिन मेरे पिताजी को बुला करके बोले के महामंत्री हमारे पास कोई औलाद नहीं है केवल एक मेरा बेटा है उसकी परवरिश तुम करना है गोकल। फिर बाबू साहब उसके बाद महाराज सूरज सिंह का देहांत हो गया और एक दिन अकस्मात मेरे पिताजी को ऐसी बीमारी आई कि मैं लेकर के बहुत दौड़ा। बहुत राज वैद्यों को बुलाया लेकिन राज वैद्यों के सामने भी मेरे पिता जी बच नहीं पाए। लेकिन दम तोड़ते तोड़ते उसने ये बात कही
कह बेटा राजा ठाकर, ये सारी रियासत महाराज सूरज सिंह की है। उनके पास केवल एक ही औलाद है जिसका नाम राजेश कुमार है। सारी रियासत के मालिक अभी तुम बन कर रहो, लेकिन जब राजेश बालिक हो जाए तो उसको ये संपत्ति वापस कर देना। सही कहें बाबू साहेब। लेकिन ए गोकुल, 25 साल का दिन बीत गया। जब उस रियासत की तरफ मैं जाता हूँ तो रियासत चिल्ला चिल्ला करके कहती है, आए राजा ठाकर, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ। मतलब दे ना चाहता, नियत खोरी करे चाहता है, यानी मुझे लालच हो जाते है रे। लालच जी कर बाबू साहेब, वही भलाई। लेकिन ए गोकुल, ये सब बातें तो रात भर होती रहेंगी। हाँ हाँ हाँ। मैंने जब से पिताजी का साम्राज्य संभाला, हाँ, मैंने बहुत सारे कर्जे बांट दिए। कर्जा? जी हाँ, कर्जा बहुत बांटे हैं बाबू साहेब। कोई आता है, कोई नहीं आता है। आज मैंने अपने मन में विचार किया है, हाँ, कि आज कर्जा वसूलने मैं चलूंगा। चलो बाबू साहेब। तो ये बताओ कि कौन कितना कर्ज ले गया है गोकुल? राजा बाबू साहब ले आवत। बहुत हेरे तब जाए तुहार बहन खाता मिला। तब उल्टा ही बोलता है, मेरी बहन खाता लाया है। बहन खाता कौन से सन में तैयार हुआ रे? अब इतना ना बही खा, बही खाता, बही खाता, बही खाता ना निकल यार को संयम गाड़ा। तो बता गोकुल, बता। सन 75 में मजन निकला रहा का, वही में जब चकबंदिया भाई रही तब हमें लागत निकला रहा। यह में बड़ा लंबा लिस्ट बाबू साहेब। या देखा मुस्ताक भाई जो हारमोनिया बजावत है, इनकरे ऊपर तो 3,999 रुपये बाकी है। हाँ, वो लिए थे, बोले कि राजा ठाकुर मेरी फोल्डिंग खराब हो गई है, मैं प्रोग्राम करने लगूंगा तो आपका चुकता कर दूंगा। आगे बढ़ो गोकुल। और चाँद भाई जो नकारा बजावत हैं, इनकरे पास 5,577 रुपये बाकी बा। 5,577 नहीं नालायक, 75। बाबू साहब, हाँ, उनकी टंकी फूट गई थी, नकारा फूट गया था, बनवाने के लिए ले गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, यह बनवाई ले इन्हें बजा ही कैसे, एक तो मुँह चमड़ा वैसे बजा। कहता है छोटकी फूट गई, बढ़की रह गई। देवचंद जो ढोल बजावत है, इनकर बाबू साहब ज्यादा नाच बाकी है, 3,399 रुपये। चलो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो गोकुल। और बाबू साहब ये लंबी लिस्ट है बहुत बा। सावन जवन है बाबू साहेब, सवनवा ये लई गवा रहा। अब ढेर दिन नाई भवा बाबू साहेब, ये लई गवा 2,000 रुपया, ज्यादा 2,000 रुपया ले गया। लेकिन कितना दिन हो गया गोकुल?
छह महीना भबई की है बा। छह महीना हो गया, 2000 रुपया ले गया, नालायक वापस नहीं किया। गोकुल साहब, आज का कर्ज वसूलने के लिए वहीं से चालू करते हैं। दाहिनी तरफ एक जीरो बढ़ा करके बताओ कि कितना कर्ज हुआ। दाहिनी तरफ जीरो बढ़ाई दे तब गिने के पड़े। एक जीरो बढ़ाई दे तो मान ली के आई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000। ये तो बाबू साहब 2000-20,000 हो गया। 2000 का 20,000, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है, होना ही चाहिए ना। तुम्हारे लोगों की पगार कहाँ से आएंगे? जवन कहा था वो बतिया ठीक है। गोकुल, आज की तैयारी समन्वा के घर से चला, जरा मेरी बंदूक उठा ले। लेकिन है गोकुल, चलने के पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ साथियों बंधुओं मेरे दोस्तों। हम लोग चलते रहते हैं, हमारा एक आदमी बोला कि भैया खाना पहुंचा दीजिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि चमार साले आज मर गए। अरे इस शरीर में यदुवंशी क्षत्रियों का खून है, खाने बगैर हम मर नहीं सकते। लेकिन नालायकी हमारे कारीगरों के मैक में हम लोग नहीं बोलते, मजबूरी है कि आप लोगों को उत्तर देना पड़ता है। हम यही रहे भैया, एक लोटा माटा पी करके भी दिन भर फावड़ा चला सकते हैं। लेकिन जिस चमार की बात करते हो, वो चमार नहीं, वो महान है।